हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम बडी। मैं ईशान थापा आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल एग्जाम बडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 17th और 18th फरवरी 2020 की डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज हमारे पास भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI ने 3 हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए किस समूह के साथ 3 रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं GMR ग्रुप, रिलायंस इंफ्रा, अडानी ग्रुप और जीवे के ग्रुप। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अडानी ग्रुप के साथ क्या साइन किए हैं, 3 कंसेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसमें वो क्या करेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और डेवलपमेंट करेंगे 3 एयरपोर्ट का। ये कौन कौन से 3 एयरपोर्ट होने वाले दोस्तों? ये होने वाले हैं मैंगलोर, लखनऊ और अहमदाबाद। ठीक है, तो इन 3 एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसको? अडानी ग्रुप को, इसके संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, नवीनतम फोर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फोर्स इंडेक्स? ऑप्शंस हमारे पास हैं शिव नाडर, उदय कोटक, गौतम अडानी और राधा कृष्ण दमानी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राधा कृष्ण दमानी जो है ये बन गए हैं भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। ये किसके मालिक है दोस्तों? तो ये मालिक है डीमार्ट के। ये बहुत ही बड़ी एक सुपर स्टोर की चेन है। इनकी नेटवर्थ है 17.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, इन्होंने किन किन को पछाड़ा है? इन्होंने HCL के फाउंडर शिव नाडर को पछाड़ा है जिनकी नेटवर्थ है 16.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, और उदय कोटक जो कोटक ग्रुप के मालिक हैं इनको पछाड़ा है जिनकी नेटवर्थ है 14.9 बिलियन डॉलर। और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम अडानी, इनकी नेटवर्थ है 14.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, और नंबर वन पे अभी भी जो है वो स्थापित है कौन? मुकेश अंबानी, जिनकी टोटल नेटवर्थ 57.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है? विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल? ऑप्शंस हैं चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नई दिल्ली करने जा रहा है मेजबानी किसकी, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की। ये इसमें दोस्तों 150 जो महिला व्यवसायी हैं, ठीक है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करा जाएगा जो कि ऑर्गेनिक फूड के बिजनेस में काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो 2020 में GSAT-1 सहित कितने पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है? इसरो इज गोइंग टू लॉन्च हाउ मेनी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स इन 2020 इंक्लूडिंग GISAT-1? तो ऑप्शन हमारे पास है 5, 7, 10 और 4। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा जो क्या करेंगी, ये पृथ्वी की इमेजिंग करेंगी, ऊपर से पृथ्वी के चारों तरफ से कैसी दिखती है पृथ्वी और कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं पृथ्वी में, उन सब की ये लोग इमेजिंग करेंगे, रिसर्च की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ग्लोबल गोल्स 2030 के लिए सड़क सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030? ऑप्शन हमारे पास है PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी। तो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो रोड सेफ्टी पे होने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विभाग जिलेवार डाटा रिकॉर्ड या निर्यात वस्तुओं की उत्पत्ति का डाटा रिकॉर्ड करने जा रहा है? विच डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा और ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ये क्या करेगा दोस्तों, अब ये डेटा कलेक्ट करेगा जिलेवार तरीके से, ठीक है, किसका, कि वहां के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल डेटा इकट्ठा करेगा। ये किसके तहत करा जा रहा है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, क्या बनाया जाए, हर जिले को जहां पे एक्सपोर्ट करने की कुछ अच्छी चीजें हैं उसको एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप करा जाए, तो उसी को फुलफिल करने के लिए ये
डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, जिलेवार डेटा कलेक्ट करेगा किसका, एक्सपोर्टर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्रणालियों के प्रवासी प्रजाति CMS के संरक्षण पर पार्टियों के 13वें सम्मेलन COP 13 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शंस हमारे पास हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन के बारे में दोस्तों मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैंने बताया था कि ये COP 13 जो है ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है गांधीनगर में होने वाला है। कब से कब तक, 17 से 22 फरवरी के बीच में होने वाला है। और ये किस लिए करा जा रहा है दोस्तों, जो प्रवासी स्पीशीज होती है, जो प्रवासी हमारे जानवर होते हैं जो प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए ये करा जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6.18 मीटर क्लियर कर विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया। हु सेट द वर्ल्ड पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बाय क्लियरिंग 6.18 मीटर। ऑप्शन हमारे पास है, पाइथ रिलिसेक, मोंडो डुप्लांटिस, रेनार्ड लवलीन और डेनियल स्टॉल। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मोंडो डुप्लांटिस ने रिकॉर्ड बना दिया है 6.18 का पोल वॉल्ट में। इससे पहले भी दोस्तों जो रिकॉर्ड था वो था 6.17 मीटर्स का, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर, पोलैंड में, कब, 2020 में, अभी इसी साल बनाया गया था, इन्होंने इसको फिर से तोड़ दिया और अब जो नया रिकॉर्ड हो गया वो है 6.18 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 9 इज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ऑप्शन हमारे पास है, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और रूस। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ भारत ने किया था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 9, जो अब संपन्न हो गया है। पहले की वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। और जो संप्रीति 9 जो है ये कहाँ पे हुआ था, मैंने बताया था ये हुआ था मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप कन्वेंशन की तर्ज पर समुद्री प्लास्टिक कूड़े और माइक्रो प्लास्टिक को कम करने के लिए साझेदारी साथ सहमति व्यक्त की। विद विच कंट्री डिड इंडिया अग्री टू पार्टनर विद टू मिटिगेट मरीन प्लास्टिक लिटर एंड माइक्रो प्लास्टिक ऑन साइड लाइन्स ऑफ द 13th COP कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ऑप्शन हमारे पास है, थाईलैंड, ग्रीनलैंड, जर्मनी और नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नॉर्वे के साथ भारत ने सहमति जताई है किसके लिए, मरीन प्लास्टिक को कम करने के लिए और माइक्रो प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए, ठीक है। मरीन प्लास्टिक लिटर का क्या मतलब है, हम लोग प्लास्टिक जो हम लोग का वेस्ट होता है, ठीक है, तो वो जो समुद्र में फेंक दिया जाता है उसको मिनिमाइज करने के लिए और माइक्रो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए अग्रीमेंट किया है किसके साथ भारत ने, नॉर्वे के साथ, कहाँ पे, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा 13वें COP सम्मेलन में, ठीक है। आइए नॉर्वे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं दोस्तों। नॉर्वे उत्तर पश्चिम यूरोप में एक नॉर्डिक देश है, ठीक है, इसको नॉर्डिक देश कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में जो ये राइट कलर से हाईलाइट है, ये नॉर्वे है, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है ऑस्लो। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, भाषा यहाँ पे बोली जाती है नॉर्वेजियन। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की, प्रधानमंत्री है यहाँ की एर्ना सोलबर्ग, ठीक। और यहाँ पे जो करेंसी है, जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है नॉर्वेजियन क्रोन, उसको कहा जाता है। आप यहाँ पे इसका नेशनल, नॉर्वे का नेशनल फ्लैग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया समिट 2020 कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर इज द बायो एशिया समिट 2020 हेल्ड। ऑप्शन हमारे पास है, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद में हो रहा है, 17 तारीख से स्टार्ट हो गया दोस्तों ये। और ये क्यों करा जा रहा है दोस्तों, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसको किया जा रहा है, ठीक है। इसके लोगों को देख लेते हैं, इसका लोगो कुछ इस तरह दिखता है, बायो एशिया 2020। और इसका जो थीम है दोस्तों वो क्या है, टुडे फॉर टुमारो, ठीक है। इसका जो थीम है वो क्या है, टुडे फॉर टुमारो, हैदराबाद में होने वाला है 17 से 19 फरवरी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। वेयर वॉज दी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हेल्ड। ऑप्शन हमारे पास है, नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसमें अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख को भी अब इस ट्रिब्यूनल के अंडर में ले लिया गया है,
किसके अंडर में ले लिया गया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, भारत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंडर में ले लिया गया किसको? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अब ले लिया गया है, पहले नहीं था, अब इसको इसके अंडर में ले लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस 5 डे वर्किंग वीक फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? ऑप्शन हमारे पास है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने क्या कर दिया है, 5 डे वीक कर दिया दोस्तों। अब उनको कर्मचारियों को 6 की जगह सिर्फ 5 दिन काम करना होगा हफ्ते में, ठीक है, क्या, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, जो कि पहले मंडे टू सैटरडे हुआ करता। तो अब जितने भी राज्य कर्मचारी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे महाराष्ट्र के, उनको अब सिर्फ हफ्ते में 5 दिन काम करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स अभी हाल ही में संपन्न हुए, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, पर उसमें आपका भी बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है, और मेन हमारा यहाँ पे काम है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना है। तो इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया, इसको क्वेश्चन स्टाइल में नहीं बनाया, क्योंकि इससे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में दोस्तों। ये 65वां संस्करण था, ठीक है, दिस वॉज द 65th एडिशन। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी असम में। ठीक है, बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? गली बॉय को। बेस्ट एक्टर का किसको मिला? रणवीर सिंह को। किसके लिए? गली बॉय मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड गली बॉय की जो अभिनेत्री थी आलिया भट्ट उनको मिला, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी गली बॉय की डायरेक्टर जोया अख्तर को मिला है। ठीक है, तो गली बॉय ने एक तरीके से आप मानिए कि क्लीन स्वीप किया है फिल्म फेयर अवार्ड में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिटिक बेस्ट फिल्म की। तो क्रिटिक बेस्ट फिल्म मिला है आर्टिकल 15 को, और इसी के जो अभिनेता थे, लीड एक्टर थे, आयुष्मान खुराना, उनको मिला है क्रिटिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। ठीक है, और क्रिटिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो मिला है भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू को। किसके लिए? सांड की आंख करके एक मूवी आई थी दोस्तों, उसके लिए मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह को फॉर मेल एंड फीमेल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, और आप इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में आने आप लोगों से पूछा था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने कमेंट करा था, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया। इसका सही आंसर है ए, मनप्रीत सिंह, इनको मिला है। मैंने इसके साथ साथ ये पूछा था कि आप मुझको बताइएगा कि FIH की स्थापना कब की गई थी? तो FIH की दोस्तों स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 को, 7 जनवरी 1924 को, ठीक है। और जो ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो ये FIH देती है, ये इन्होंने कब से देना स्टार्ट करा था? ये इन्होंने स्टार्ट करा था 1999 से देना स्टार्ट किया था। और मैंने पूछा था ये भारत के लिए खास क्यों है? तो दोस्तों भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि मनप्रीत सिंह पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने ये अवार्ड को जीता है। ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया था, ठीक है। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करने जा रहा है? इसका आप मुझको बताइएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताइएगा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक खास मुहिम चलाई है, वो क्या मुहिम है, इसके बारे में भी आप मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगा कल यहीं पर, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय बाय।